Yeah, but I did that one day before the wedding. Oh, that's so it was sweet. Just like what? But at least the first night we were there, we reached there and we kind of I planned like a special dinner. It was beautiful setup and everything, but did you go down on your knees? Yeah. Oh. और बहुत सारे ऐसे राज जो कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने अपनी जिंदगी से खोले. विकी कौशल ने कॉफी विद करण में आपको बताएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं. बताते चले कैटरीना कैफ के बारे में, बताते चले विकी कौशल के बारे में. तो कैटरीना कैफ को विकी कौशल ने शादी से सिर्फ एक दिन पहले अपने घुटनों पर बैठ कर प्रपोज किया और ये बात उन्होंने खुद फैंस के साथ शेयर की. फैंस का कहना था कि हाउ रोमांटिक. वाकई अगर एक ड्रीम गर्ल है यानी कि कैटरीना कैफ है तो उनके लिए ये सारी चीजें स्पेशल करना बनती भी हैं. और यहाँ पर हमारे विकी कौशल हों जो कि वाकई उनको डिजर्व भी करते हैं और वाकई उनसे शादी के बाद अब दोनों की जोड़ी सबसे सुपर डुपर क्यूट जोड़ी है. खैर व्यूवर्स, आपको कैटरीना कैफ की मूवी मैरी क्रिसमस, उसके बाद अगर बात की जाए विकी कौशल की मूवी इनके साम बहादुर, ये सारी चीजें और कैटरीना कैफ और विकी कौशल की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आपको इनकी जिंदगी से और बहुत सारे राज सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. ठीक है.